नमस्कार दोस्तों, दी खबरदार न्यूज होली के शुभ अवसर पर आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके गानों का पूरा विंध्य क्षेत्र दीवाना है और उनके गाने सुनने के बाद आप भी उनकी प्रतिभा के कायल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत साकेत की। इंद्रजीत साकेत जो कि बचपन से ही नेत्रहीन है, लेकिन उनकी प्रतिभा की चर्चा पूरे विंध्य क्षेत्र में है। तो चलिए आपको भी होली के इस शुभ अवसर पर उनके प्रतिभा से रूबरू करवाते हैं। रंगों के भरे इस महापर्व होली पर दी खबरदार न्यूज परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों व जिले वासियों को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये होली आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियों के रंग भर दे। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस प्रकार से वो सौवर्ण स्थाल्यं सुभोज्यं समर्पितं सौवर्ण स्थाल्यं सुभोज्यं समर्पितं स्नाति पुंचरी जारिषि तृष्टत्त भर्ता रंग वर्षा और रंग वर्षा कृत्यं चलवती रंग वर्षा तव नेत्रायो काजालम् सहजं पादं रक्षे मम हृदय स्पंदयते श्रोणी मम परम परम प्रतिपरम स्मरण। ये तेरी आख्या का जो पाजाला देखी भैया, अपना पंचे सब लोग सुने हैं हरियाणवी। मम परम परम प्रतिपरम स्मरण ते त्याती रे हाय और देखिए, अगर थोड़ा इजाजत हो तो एक मतलब छोटी सी कविता प्रस्तुत करी थी। आज के दौर में अगर देखा जाए तो लोग मानव नहीं, ये मानवता दानवता में परिवर्तित हो रही, बदल रही। या देखिए कैसा केवल स्वार्थ में, अपन स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग कह रहे हैं। यह कविता की दृष्टियम दशा जायते सर्वदा यदधुना जानास्मी ये स्वार्थे रता कीदृशीयं दशा जायते सर्वदा यदधुना जानास्मी ये स्वार्थे रता काले, यानी कैसा यह दुर्दशा आई है कि लोग अपने स्वार्थ में हैं। काले अस्मिन् मनुता हता काले अस्मिन् मनुता हता यदधुना जानास्मि ये स्वार्थे रता। लोग काल काल में समय आए पर मानवता खत्म हो जा रही है, मरी रही है इस प्रकार। और देखिए स्थिति आज कैसा है, लोगन के बुद्धि कैसा है। पहले तो हम सुने रहन बुद्धि में पथरा पड़ा था, लेकिन अब कठवा जैसे हुई है एकदम, जैसे कि कठवा जैसे कठोर हृदय बुद्धि हुई। तारुणा निर्मितास्ति समेषां मतिः दारुणा निर्मितास्ति समेषां मतिः यत्र संवेदनायाः चिदं कोऽपि न यत्र संवेदना का लेश भी संवेदनशील क्यों नहीं। यत्र संवेदनायाः चिदं कोऽपि न दृश्यते नैव इत्थं हि सत्बन्धुता दृश्यते नैव क्वापि अत्र सत्बंधुता न दृश्यते, यानी कहूं आज भाईचारा के नाम नहीं दिखाई नहीं दे रहा। दृश्यते क्वापि नेत्थं हि सत्बंधुता यदधुना जानास्मि ये स्वार्थे रता
यदधुना जाना हस्विये स्वार्थेरता। आज देखिए आज की स्थिति का है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना, अपना पंचे जानी थे न भगिनी न भ्राता न तातो न माता, न भगिनी न भ्राता न तातो न माता, निखिलम इदानी यो मित्रदाता, यो मित्रदाता अस्ति सह एव इदानी निखिला। जो संसार में जिसके द्वारा धन प्राप्त हो रहा है वही आज संपूर्ण में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। न भगिनी न भ्राता न तातो न माता, निखिलम इदानी यो मित्रदाता। और अद्य सर्वे संबंधा दूरे गता, आज सब संबंध का कथ जाए भाण में। अद्य सर्वे संबंधा दूरे गता, यदधुना जाना स्वीये स्वार्थे रता, यदधुना जाना स्वीये स्वार्थे रता, यदधुना जाना स्वीये स्वार्थे रता। अपना पंचे का जितने भी सम्मानित लोग हाँ सब लोगों का और अपने ग्राम के गिरा बघेली भाषा का प्रणाम करी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बघेल खंड और जय बघेल की मिट्टी, जय जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत। ठीक भाई लगाते जोरदार ताली।